लिए कम आंच पे दूध को उबाल लेंगे और जैसे जैसे मलाई आएगी उसे साइड करते जाएंगे। इसके लच्छे साइड में लगाते रहेंगे, इससे हमारे लच्छे एकदम मार्केट जैसी, हलवाई जैसी, रबड़ी जैसे टाइट हो जाएंगे। रबड़ी बनकर तैयार है, देखिए कितनी गाढ़ी इसमें मलाई आ चुकी है। अगर आप और पतला करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करें, नहीं तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये 1 किलो दूध का बना रहे हैं, लगभग 50 ग्राम शुगर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा मीठी रबड़ी हमें अच्छी नहीं लगेगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड करें। ये साइड में जो लच्छे हमने लगाए हैं उन्हें सभी को इनमें मिक्स करेंगे। शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। केसर भिगो के रखिए, उसको मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर इसे फ्रिज में सेट करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम जिस कंटेनर में सर्व करना है उसमें निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे इसमें लच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने यह लच्छेदार रबड़ी बनाई है। इसमें हमने ना तो ब्रेड ऐड किया है, ना कोई कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, ना मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब हम इस कंटेनर को 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो हम इसे गार्निश करेंगे। रबड़ी चल्ड हो चुकी है, अब हम इसे ड्राई फ्रूट, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, इसे डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे।